प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण, अतिथि गण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रुति कुमारी, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष नारियों के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मराठाओं की पुत्री हूँ तो शब्दों में खेल जाऊंगी। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ, एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ, आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस सच नहीं चाहिए, आखिर क्यों इतनी गलत होती है लड़कियां, बस आज यही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया हूँ, वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, पर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी, कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी, और हनुमान जी की भक्त हूँ ये कहने से कतई नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, मैं खड़े खड़े तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी, कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और क्या कहते हो तुम मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, और क्या कहते हो तुम मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, अरे खाक कहलाऊंगी मैं रानी, जब मेरा ताज भी मेरे ही मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, 4 चीजों में फिर कल बिक जाऊंगी, हर रोज दहेज की आर में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। अरे क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा नेता आएगा, अरे क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा नेता आएगा, जवान बेटी के ससुराल उसका सब देखने जाएगा। आप सभी बताइए, इन अंधों की अदालत में कानून का खेल भी क्यों किया जा रहा है, जब सरेआम ही घूमना है हमारे दरिंदों को तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है। कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो, मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो, अरे मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा मैं सहती हूँ और मुझे ही तुम अपवित्र बताते हो, रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से और तुम मुझे नौटंकी का नाम दे जाते हो, रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से और तुम मुझे नौटंकी का नाम दे जाते हो, कि चूल्हे की आंच में तप कर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, फिर भी क्यों इतनी सस्ती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। कीमत सनकाओ और मुझे तुम, मैं चंड मुंड माला धरनी बन जाऊंगी, तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मर्दिनी बन जाऊंगी, सीता का मैं रूप धरी हूँ काली कल्याणी बन जाऊंगी, सारे सत्य धर्म में तुमको मौत के साक्षात दर्शन करवाऊंगी, कि एक दिन मेरी प्रकोप से ये सारा संसार घबराएगा, जब हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग मिलाप खाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी, कि मत सनकाओ और मुझे, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। अरे याद कर लो, वो नारी है और नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी, और तुम्हें फिर बता दूं कि एक नारी ने ये संपूर्ण महाभारत तक रचाई थी। अब मैं आप सभी के समक्ष एक गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि एक माँ की दुख भरी दास्तां है अपनी बेटी के लिए। अंगीना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, आँखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, इन संग खेलेगी तू लाडो की, हाँ बंद है केवड़िया खिड़की पे सकल, इसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो, तू ना आना इस देश मेरी लाडो, हो ना आना इस देश।
कि मराठाओं की पुत्री आज एक आखिरी बात कहकर जाएगी, देश बदल जाएगा मेरा जिस दिन हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। कि मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं, कि मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं और हम तीनों मिलकर आपसे नारियों की सम्मान की आस करते हैं। धन्यवाद।